स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। ग्रुप ए ग्रुप बी के वीडियो के बाद बारी है ग्रुप सी के बारे में बातें करने की गगन सर, क्योंकि हमने ग्रुप ए और बी के वीडियोस डाले और लोगों को वो पसंद भी आया। उन्होंने कुछ कुछ कमेंट देके उसमें अपनी बातें भी रखी कि किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आज वो चीज़ हम लोगों के लिए करें, स्पोर्ट्स के व्यूवर्स के लिए करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप सी को लेके यूरो में। बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप सी में है बड़े बड़े दावेदार, बड़े बड़े रुतबे वाली टीमें और साथ में कुछ ऐसी टीमें भी जिनको पहली बार मौका मिला है यूरो खेलने का। तो बात करते हैं ऑस्ट्रिया के मैच फैक्ट्स की। उनका कौन सा अपीयरेंस होने वाला है, वो है तीसरा अपीयरेंस ऑस्ट्रिया का। लेकिन साथ ही साथ इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बात करेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से हो सकती है और इनकी वीकनेस क्या हो सकती है इस यूरो को लेके। हालांकि इससे पहले जो दो मौके उनको मिले हैं उसमें उनका बेस्ट रहा है कि 2008 और 2006 में सिर्फ ग्रुप स्टेज, यानी कि वो बड़े मुकाबलों में नॉकआउट स्टेज में जगह नहीं बना पाए हैं दोनों मौक़ों पर। लेकिन ऐसा होता है कि एक टीम है जो कोशिश करते हुए आ रही है यूरो में खेलने के को लेके। आप अगर 2008 की बात करें, आपके होम कंडीशन में मैच हो रहा था लेकिन आपने वो भुना नहीं पाया, फिर अब आपके पास मौका है, आप फिर से आए हो और कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है इनकी, मार्को अर्नाटोविच जो इनके स्ट्राइकर हैं जो कि 7 गोल्स में इन्वॉल्व रहे हैं, इसका मतलब वो गोल भी स्कोर किए हैं और उन्होंने असिस्ट भी प्रोवाइड किया है 8 मैचों में अपनी टीम को लेके। यानी ये कंप्लीट टीम मैन आप उनको कह सकते हैं कि जब भी उनको मौका मिला कन्वर्ट करने का उन्होंने कन्वर्ट किया, और जब उनको लगा कि नहीं थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, मूव कहीं ख़राब ना जाए, मेहनत कहीं बाकी लोगों की ख़राब ना जाए, तो उन्होंने बाकी लोगों के लिए वो मूव बनाया ताकि बाकी लोग उस असिस्ट को गोल में कन्वर्ट कर पाएँ। लेकिन साथ ही साथ अगर वीकनेस की बात करें तो जैसा कि हमने अभी कहा कि जो उनका बेस्ट रहा है वही उनकी वीकनेस भी रही है, वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ भी नहीं पाए हैं। और अगर आपने अभी तक के नॉकआउट स्टेजेस की बात की है ओवरऑल में, तो 2 ड्रॉ और 4 मैच हारे भी हैं और यही नतीजा है कि वो ग्रुप स्टेज क्लियर नहीं कर पाते। अनुज, शायद तजुर्बा जब बड़े मुकाबलों में आने का होता है तो वहाँ तक आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा का अनुभव उनको शायद 2 यूरो चैम्पियनशिप में खेलने को मिला होगा और उसके बाद इस बार उम्मीद की जा सकती है कि ये टीम अगर अपना बेस्ट दे तो शायद नॉकआउट स्टेजेस में जगह बनाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है एक ऑस्ट्रिया के बारे में। 1954 की बात है जब वो वर्ल्ड कप में खेले थे 1954 में, तो वो सेमीफाइनल भी पहुंचे थे, तीसरे नंबर पर उनका जो है रैंक आया था। लेकिन ये वर्ल्ड कप की बात है 1954, आज अभी ये यूरो की बात होगी और यूरो में टीम का प्रदर्शन ये है कि ग्रुप स्टेज से ये क्लियर नहीं कर पाती है टीम। मौका होगा ऑस्ट्रिया के पास में, लेकिन टीम लाइनअप इनकी ऐसी कैसी हो सकती है वो देख सकते हैं कि चलिए टीम प्रोफाइल की बात कर लें अगर, तो टीम प्रोफाइल में अगर हमने अभी मैच फैक्ट में देखा जाए तो 3 अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस 2016 इसकी बात तो हुई है, लेकिन अगर इस करंट क्वालिफिकेशन राउंड की बात की जाए तो इन्होंने 10 मैच में 6 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 1 ड्रॉ रहा है, 3 हार है और गोल भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, करीब करीब 2 गोल्स का एवरेज है, मतलब कि 10 मैचेस में 19 गोल हैं और गोल जो इनके खिलाफ हुए वो 9 हैं, यानी कि डिफेंस लाइन अच्छी है, साथ में फॉरवर्ड लाइन अच्छी है, फॉरवर्ड्स ने कन्वर्जन पे काफी ध्यान दिया है और उस फोकस की वजह से इन्होंने 10 में से 6 मैच जीते भी हैं और इसमें और मार्को जिनकी हम बात कर रहे थे, मार्को ने 6 गोल का योगदान दिया और 6 गोल 19 में से क्वालिफिकेशन राउंड में बहुत बड़ा किरदार था इनका। जो स्ट्रेंथ थी उसकी ही बात हुई है यहाँ पे मार्को अर्नाटोविच की, और उम्मीदें इनसे ही सबसे ज़्यादा होगी कि ये जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस निभाए हैं और वो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपना परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। लेकिन अगर टीम लाइनअप की बात करें जो इनको ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इनके डिफेंडर में डेविड अलाबा, जो एक बहुत बड़े और अभी करंट स्टेटस में वर्ल्ड में टॉप 5 बेस्ट डिफेंडर्स में आते हैं। अभी नया नया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रियल मैड्रिड के साथ में, बायर्न म्यूनिख के स्टार खिलाड़ी थे, लेकिन इसी के साथ में मार्को फ्रीडल भी हैं इनके पास में। और अगर मिडफील्डर की बात करूं तो मुझे 2 ऐसे नाम दिखते हैं, जूलियन बॉमगार्टलिंगर ऐसे दिखते हैं जो जर्मन लीग में ही खेलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मार्को अर्नाटोविच जिनकी अभी हमने बात की है। 4 प्लेयर्स ऐसे होंगे लेकिन 4 प्लेयर्स से टीम नहीं टिकेगी,
इन्हें कंप्लीट परफॉर्मेंस देना होगा, ग्रुप स्टेज को इन्हें क्लियर करना ही होगा। देखिए, तब तो आपको 11 के 11 प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो अपना मोर देन 100% दें अगर आपको ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ना है। लेकिन डेविड अलेबा की आपने बात की और मार्को की बात की, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा एंटिसिपेट करते हैं। और अगर हम बात करें इनकी डिफेंस लाइन की, तो डेविड अलेबा के इर्द गिर्द पूरा ये डिफेंस इस तरह से बुन लेते हैं कि प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन और बेटर हो और वो एंटिसिपेट करके फॉरवर्ड्स किस तरह से क्या सोच रहे हैं उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश। ये इस तरीके के डिफेंडर बने हैं गगन सर कि ये सेंटर बैक भी खेल लेते हैं, ये लेफ्ट भी खेल लेते हैं और इन्होंने मिडफील्ड भी खेलना शुरू किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके डिफेंस लाइन के ऑलराउंडर हैं ये। बिल्कुल। तो इसके बाद अगर चर्चा करेंगे एक हैवी वेट जो कि इस यूरो में बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट कर सकती है क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़ी टीम है, और बात होगी नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड्स की बात होगी, 10वां अपीयरेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है, अच्छा खासा अनुभव है। और नीदरलैंड्स के बारे में बता दें कि जो इनका यूरो में सफ़र रहा है ना, बड़ा दिलचस्प रहा है। 1960 में जब यूरो शुरू हुआ था तो नीदरलैंड्स की टीम कहीं नहीं थी, मतलब अगले 2-3-4 यूरोज में तो वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। अब आता है 1976 में पहली बार जब यूरो के लिए क्वालिफाई किया नीदरलैंड्स की टीम ने, तो उसके बाद 3-4-5 उसके बाद तो अनुज यूरो में नीदरलैंड्स ऐसे, हाँ, मतलब या तो उच्च स्तर पर फाइनल खेल रहे हैं, हाँ, या फिर सेमीफाइनल खेल रहे हैं, या बहुत ख़राब भी परफॉर्म किया तो क्वार्टर फाइनल तो खेल ही रहे हैं पक्का। मतलब ये अगले 10-15 साल तक बहुत अच्छा खेले। लेकिन क्या हो रहा है पिछले 10 साल में ना, जब वो इनका एक अच्छा बैच था, जब वो रिटायर हुआ उसके बाद नए खिलाड़ी आने शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी, इसीलिए पिछले 10 साल के यूरोज में इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिप भी हुई। याद है अगर इनका बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1988 और 1980s से लेके ये अर्ली 90s की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि रूड हुलेट होते थे, मार्को वान बास्टन होते थे, वो जो टीम थी नेदरलैंड्स की वो बहुत ज़बरदस्त टीम कहलाई जाती थी, और डच पावर गेम जो कहा जाता है डच का, वो बाकी टीमों से थोड़ा अलग तरीके का जो गेम कहा जाता है, ना सिर्फ यूरो बल्कि फीफा वर्ल्ड कप में भी ये टीम बड़े बड़ी टीमों को टक्कर अच्छी खासी देती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें अगर नीदरलैंड्स की, तो इनकी स्ट्रेंथ इनके स्ट्राइकर, जैसा कि अभी बात की थी हमने ऑस्ट्रिया के बारे में, तो हम इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, स्ट्राइकर हैं इनके मेम्फिस डिपाय, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नीदरलैंड्स के लिए अगर नीदरलैंड्स को खड़े रहना है इस टूर्नामेंट में और अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर आप देखा जाए एक ऑन एन एवरेज इस क्वालिफिकेशन में, तो हर 38 मिनट में या तो उनके खेले हर 38 मिनट में या तो उन्होंने असिस्ट किया है या तो उन्होंने गोल स्कोर किए हैं। अगर टोटल देखा जाए 495 मिनट में उनके 6 गोल और 7 असिस्ट हैं। ड्रिबलिंग जबरदस्त है, एंटिसिपेशन जबरदस्त है, स्पीड बहुत अच्छी है, और बाकी खिलाड़ियों के साथ ऑटोमेटिकली तालमेल जो है कि मैं पास दूंगा और वो खिलाड़ी वहां से उसको ग्रैब करके कन्वर्ट कर सकता है, तो ये इनका जो टैक्टिक्स है बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वीकनेस की बात की जाए तो वीकनेस वो जैसा अभी आपने कहा था कि बैच शुरू होता है जल्दी ख़त्म होता है, अगर 2004 के बाद की बात की जाए इनके पास में, तो ये किसी मेजर टूर्नामेंट में, हाँ आप अगर वर्ल्ड कप की बात छोड़ दीजिए, 2014 में उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त थी, वो फॉरवर्ड तीन लाइन जो कहलाई जाती थी, रॉबिन वैन पर्सी की, आयन रॉबिन की, और उसके बाद में आपके पास में वेस्ली स्नाइडर थे, ये तीनों बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन 2014 के बाद में अचानक से वो टीम रिटायर हो गई, कई प्लेयर्स रिटायर हो गए, नई टीम आ गई। 2016 में आप नहीं खेल पाए यूरो, फिर 2018 आप क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप, लेकिन अब इनके पास मौका है कि इस वीकनेस को भुलाएं और नए सिरे से इस यूरो में अपना अच्छा। और गजब का देश है नीदरलैंड्स, मतलब जब इनकी टीम ग्राउंड में खेलती है तो इनकी जो जर्सी का कलर है ऑरेंजिश, पूरा स्टेडियम आपको दिखता है बिल्कुल एक ही कलर में, और बड़ा फिटनेस फ्रीक है ये पूरी कंट्री। साइकिलिंग का इतना ज़बरदस्त शौक है कि इतनी पॉपुलेशन नीदरलैंड्स की नहीं होगी जितनी वहाँ पर साइकिल्स हैं, साइकिल ज़्यादा हैं। और वैसे इस टूर्नामेंट में मेरी पसंदीदा टीम नीदरलैंड्स ही है अगर बात की जाए, और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताएं तो नीदरलैंड्स के जो मैनेजर अब बने हैं फ्रैंक डे बोयर, जो कि पहले आपको पता होगा रोनाल्ड कोमन थे, वो बार्सिलोना ज्वाइन कर लिया, फ्रैंक डे बोयर जो नए इनके कोच अब बन गए हैं, उन्होंने एज अ प्लेयर वो 9 अपीयरेंस नीदरलैंड्स के साथ में किया था, वो जब खिलाड़ी के तौर पर नीदरलैंड्स से खेलते थे। 1992 की चैम्पियनशिप की बात कर लें, 2000-2004 के एडिशन तक वो बने रहे थे टीम के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट होगा एज अ मैनेजर भी उनके लिए कि नए प्लेयर्स को आप किस तरीके से ग्रूम करके आगे
लेके जा रहे हो टीम की बात। अगर नेदरलैंड्स की बात की जाए और इसके बाद वाली टीम की बात की जाए तो हमें एक डेब्यू करने वाली टीम मिलती है, एक नई नवेली टीम इस बार। लेकिन मैच प्रोफाइल अगर है हमारे पास में नेदरलैंड्स की, तो हम करेंट क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने 6 ही 8 ही मैच खेले हैं, लेकिन ये आंकड़ा 24 गोल स्कोर करने का। हमने अभी तक जो जिन दो ग्रुप्स की बात की है, ग्रुप ए बी, आज हम सी की बात करें, उसमें से किसी भी टीम का 8 मैचेस में 24 गोल का आंकड़ा किसी का नहीं था। यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अटैकिंग गेम है पर मैच, डच पावर 3 गोल। वाकई अगर इनकी बात की जाए कि जेस्पर सिलेसन की अगर बात करें हम, क्योंकि अभी हम आपको टीम की न्यूज देंगे, सिलेसन को कोविड हो गया है तो इनकी जगह नए गोलकीपर भी आ गए हैं। ये मेन गोलकीपर होते अगर होते ये नेदरलैंड्स के स्क्वाड में, लेकिन इन्हें कुछ दिनों पहले कोविड हुआ है और ये यूरो नहीं खेलेंगे। लेकिन फ्रेंकी डी योंग हो गए, उसके बाद मैथाइस डी लिख्ट, ये इंपॉर्टेंट होंगे प्लेयर नेदरलैंड्स के लिए। और अगर प्लेयर्स की बात करें तो एक बार टीम देख लेते हैं नेदरलैंड्स की कि किस तरीके से होगी टीम नेदरलैंड्स की। बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत बड़े नाम, टिम क्रूल अब होंगे गोलकीपर की फेवरेट चॉइस अगर नेदरलैंड्स की बात करें, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और पेनल्टी स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको, पेनल्टी रोकने का स्पेशलिस्ट। अगर डिफेंडर्स की बात करें तो आपके पास में मैथाइस डी लिख्ट हैं जो कि यूवेंटस के स्टार हैं फिलहाल, उसके बाद में पैट्रिक वैन एनहोल्ड हैं, नेथन आके हैं। अगर मिडफील्डर्स की बात करें, कम मिडफील्ड हैं लेकिन हैवी है, डोनी वैन डे बीक, उसके बाद में जॉर्जिनियो वाइनाल्डम जिन्होंने अभी अभी बार्सिलोना के साथ में करार किया है नया, उसके और बाद ये स्ट्रेंथ है इनके फॉरवर्ड्स, मेम्फिस डिपाई, क्विंसी प्रोमिस, एक हैवी वेट होगी नेदरलैंड्स की टीम, हैवी वेट है, तभी इन्होंने क्वालिफाइंग में 24 गोल किए हैं इन 8 मैचेस। तो इसके बाद अगर बात करें एक नई टीम जो अपना डेब्यू करने वाली है इस यूरो में, नॉर्थ मैसेडोनिया, पहली बार फर्स्ट अपीयरेंस है इनका यूरो चैंपियनशिप में। जाहिर सी बात है इनका बेस्ट अभी क्वालिफाई करने का है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है इन 2020 यूरो चैंपियनशिप। खुशी होती होगी कि इतनी छोटी सी टीम है और इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रही है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। स्ट्रेंथ क्या है इनकी, अगर आप इनके एक मिडफील्डर की बात करें एज़गान एलोस्की की, तो इनसे ज़्यादा किसी और प्लेयर ने इस क्वालिफाइंग में, इस क्वालिफिकेशन में अगर यूरो की बात की जाए, इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल टैकल किसी ने नहीं किया है। 24 अटेम्प्ट में से 20 सक्सेसफुल टैकल किए हैं इन्होंने। एलियोस्की टीम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बीच में, उससे ना सिर्फ फॉरवर्ड को एक मजबूती मिलती है बल्कि आप डिफेंस लाइन भी उससे काफ़ी सुरक्षित हो जाती है। मैच फैक्ट्स की बात हुई, अगर स्ट्रेंथ की बात हुई, वीकनेस की भी बात कर लेते हैं कि आप एक कमज़ोर टीम के हिसाब से अगर खेलते हो तो आपका ध्यान रहता है कि हम गोल ना खाएं, डिफेंस पे रहे, उसी के कारण होता है कि आप गोल भी स्कोर नहीं करते, तो यही इनकी वीकनेस है। लेकिन फिर भी मतलब इस टीम ने 1.25 गोल्स स्कोर्ड पर गेम, बेटर देन इटली। लेकिन अब देखते हैं कि इस, क्योंकि अब तो आप आ ही गए हैं ग्रुप में, और ग्रुप में आपको खेलना है नेदरलैंड्स के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, यूक्रेन के साथ, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें नॉर्थ मैसेडोनिया की टीम के, तो स्टोल डिमिट्रिविस की हैं इनके जो प्लेयर, वो 2020 का जो यूरो है अगर हम इनकी बात करें, और गोलकीपर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट होंगे। आप अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे हमने डिफेंस की बात की, फिर एक गोलकीपर की बात की इनकी, तो की प्लेयर होंगे ये और दारोमदार होगा इन पर। और बहुत कम टीमें हैं जिनके गोलकीपर को की रोल उस तरह से माना जाता है, हालांकि गोलकीपर की भूमिका हर टीम के लिए बहुत अहम है, लेकिन अगर आप उनके की प्लेयर्स में देखें, टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर्स में, तो आमतौर पर गोलकीपर का नाम उन 3 खिलाड़ियों से बाहर आता है, लेकिन इस टीम में वो गोलकीपर उस किरदार में आपको दिखेंगे। अगर टीम की बात कर लें, टीम की चर्चा कर लें, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं होगा, और टीम की बात करेंगे, और टीम की बात करने से पहले लेकिन यहाँ पे हम अगर यूरोपियन चैंपियनशिप की भी बात की जाए, इतिहास के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन वर्तमान देखिए इसका है, 12 मैचेस में 6 मैचेस, आधे मैचेस इन्होंने जीते हैं, 2 ड्रॉ हुए हैं, 4 हारे हैं, 15 गोल किए हैं ठीक ठाक, लेकिन गोल्स इनके अगेंस्ट बहुत हुए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा कि नॉर्थ मैसेडोनिया यहाँ तक आके किस तरीके से आगे। और इस ग्रुप की आखिरी टीम, टीम की अगर बात की जाए, हमने जैसे बताया था स्टोल डिमिट्रोविस्की की बात की थी, और इम्पोर्टेंट होंगे वो, और देखते हैं कि नॉर्थ मैसेडोनिया इतिहास में नई टीम है, नए चेहरे हैं, हाँ, क्या वो जो बेस्ट था ना इनका क्वालिफिकेशन 2020, वो बेस्ट इससे ज़्यादा आगे जाता है अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन आखिरी टीम ग्रुप सी की, और बहुत इनके कोच जो हैं लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है यूक्रेन। यूक्रेन तीसरा अपीयरेंस, थर्ड अपीयरेंस है इन यूरो चैंपियनशिप। लेकिन अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की जाए तो यूक्रेन कहां पर आके रुकती है और चढ़ती है वो भी अभी दिखेगा आपको। आंद्रे सेवचेंको इनके कोच हैं। वही हाल है इनका, बेस्ट ग्रुप स्टेज 2012-2016 दो बार इनको मौका मिला लेकिन नॉकआउट स्टेज में जगह नहीं बना पाए। शेवचेंको की उम्मीद होगी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एंड्री पैटोव हैं जो इनके प्लेयर हैं, वो आप अगर देखा जाएगा 88.6% जो शॉट्स उन्होंने मतलब सामने से अगर खाए हैं या फिर रोके हैं इस तरीके की अगर बात करें तो किसी और गोलकीपर से ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड रहा है। हमने अभी आप नॉर्थ मैसेडोनिया की बात की थी लेकिन यूक्रेन में भी एक गोलकीपर ऐसा निकल के आता है सामने, एंड्री पैटोव, जिन्होंने 35 में से 31 शॉट्स ऐसे डायरेक्ट फेस करने वाले रोके। मतलब शॉट्स फेस्ड का मतलब होता है जो आपकी रीच में है, जो डायरेक्ट आपको हिट कर रहे हैं उन शॉट्स को आपने रोका है। और ये दोनों टीम्स की जो गोलकीपिंग की हमने बात की है इसीलिए क्योंकि इनकी बाकी डिफेंस लाइन बहुत कमज़ोर होगी, मिडफील्डर उतने मजबूत नहीं होंगे, तो दूसरी टीम इनके टॉप ऑफ द डी से लगातार शूट कर रही है, लगातार जो आपका गोलकीपर है उसको परख रही है। तो आमतौर पर ऐसी टीम्स के अगेंस्ट गोल बहुत हो जाते हैं, लगातार जब आप गोलकीपर पे अटैक करेंगे तो वो 5 सेव करेगा, 6 सेव करेगा, 7वें 8वें 9वें पे कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा, कहीं ना कहीं उससे ये गलती हो जाएगी और इसीलिए आपकी डिफेंस लाइन मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। बाय द वे ये किसी और गोलकीपर से ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड रहा है इस अगर क्वालिफाइंग तक की बात करें। लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें तो लास्ट के जो 5 गेम्स यूरोपियन चैम्पियनशिप में यूक्रेन ने खेला है तो वो गोललेस रही है, वो स्कोर नहीं कर पाए हैं और ये जो गोललेस रन है इनको यहाँ पर ख़त्म करना होगा कि गोल स्कोर करने ही होंगे, भले आप ड्रॉ करते हो लेकिन गोल आपको करना होगा क्योंकि एक लेटर स्टेज में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि पॉइंट्स बराबर होते हैं लेकिन गोल डिफरेंस से टीमें आगे और नीचे होती हैं। क्योंकि गोललेस रन है इसका मतलब ये है, जैसे भी हमने इनकी गोलकीपिंग का रिकॉर्ड देखा, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपके फॉरवर्ड लगातार दूसरी तरफ अटैक नहीं करेंगे तो बॉल लगातार आपके हाथ में रहेगी, आपके हाथ में रहेगी, उसका साफ सा मतलब है कि जो दूसरे फॉरवर्ड्स हैं आपके टॉप ऑफ द डी के आसपास घेरा बनाकर या तो राइट फ्लैंक से या लेफ्ट फ्लैंक से और मौका मिले तो बीच में से भी निकल के लगातार आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपके ऊपर गोल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि अटैक इन्होंने किए थे, 67 शॉट लगाए थे लेकिन वो गोल के अंदर नहीं आ पाए। इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, जो अभी इनके कोच हैं आंद्रे शेवचेंको जो एसी मिलान से काफ़ी समय खेले भी हैं और बड़ा नाम रहे हैं यूक्रेन की हिस्ट्री के लिए, वो पहली बार किसी मेजर टूर्नामेंट में अपनी टीम को लीड करेंगे एज अ कोच यूक्रेन को। वो ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं यूक्रेन के 48 गोल के साथ में और कोशिश होगी उनकी भी कि एज अ कोच अब वो यहाँ से यूक्रेन का नाम और ऊपर लेके जाएं। टीम किस तरीके से हो सकती है यूक्रेन की ये देख लेते हैं और इसके बारे में जो टीम की प्रोफाइल है वो देख लेते हैं किस तरीके से होगी। अगर हम करंट 2020 क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड की बात करें, इन्होंने भी 8 मैच में 6 जीत दर्ज की है, 2 ड्रॉ हैं इनके पास में। अगर गोल स्कोरिंग देख लेते हैं तो 17 गोल हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड में ओवरऑल रिजल्ट इनका बहुत अच्छा माना जा सकता है। 8 में से एक तो 6 जीत मिली और प्लस ओवरऑल इन्होंने कन्वर्ट तो किया, 17 गोल किए हैं इन्होंने। इम्पोर्टेंट होगा देखना कि यूक्रेन किस तरीके से परफॉर्म करती है। टीम की अगर चर्चा करें यूक्रेन की तो वो किस तरीके से हो सकती है, जैसे एंड्रे पैटोव की अगर हमने बात की थी गोलकीपर इनके, जिन्होंने डायरेक्ट फेसिंग शॉट्स बहुत अच्छी तरीके से रोका। लेकिन अगर डिफेंडर्स की बात करें और मिडफील्डर की भी बात करें तो 2 या 3 नाम ऐसे दिखते हैं हमको, तिमिशुक दिखते हैं, अलेक्जेंडर। मिडफील्डर्स की अगर बात करें तो आपको शापारेंको दिखते हैं और अलेक्जेंडर जिनचेंको दिखते हैं, जिनका सीज़न मैनचेस्टर सिटी के साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके का रहा है, मिडफील्ड भी खेलते हैं और वो डिफेंस लाइन में भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम का साथ निभाते हैं। तो ये 4 टीम थी ग्रुप सी की ज़बरदस्त। लेकिन अगर इस ग्रुप सी में फेवरेट्स आप बताओ तो कौन हो सकती है 2 जो इस ग्रुप से आगे निकलेंगे? नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया। सेम चॉइस है मेरी भी, ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड्स मेरी फेवरेट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतिहास और टीम का परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा है उस पर यंग लॉट है। बिल्कुल। तो ग्रुप ए बी और सी 3 ग्रुप आपके सामने रखे हैं हमने,
इसके बाद ग्रुप डी की बात होगी, उसमें भी बड़ी बड़ी टीमें हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, एक दिन का ही इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगले दिन ही ग्रुप डी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। गगन सर और मुझे दीजिए आप इजाज़त। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।